नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को सांस खींच खींच कर लेना पड़ता है, मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है, और वर्तमान परिस्थितियों में इस सांस की दिक्कत की वजह से उनको ये डर सताता रहता है कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो गया है, तो इस डर से कैसे बाहर निकलें, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। दोस्तों, हम लोग 9 मई 2021 को जिन लोगों को अचानक घबराहट की प्रॉब्लम होती है, अचानक पैनिक हो जाते हैं, अचानक उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में उलझ जाते हैं, इतना ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है कि उस समय उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उस सिचुएशन को कैसे डील करें, कैसे उसमें अपने आप को रिलैक्स करें, कैसे अल्फा माइंड स्टेट डेवलप करें, उसके ऊपर हम लोग ऑनलाइन 2 घंटे की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है, जिनको ऐसे होता है कि सांस उनको खींच खींच के लेना पड़ता है या मुंह खोल के उनको सांस लेना पड़ता है, ऐसे लगता है एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई, दम सा घुटने लग गया है, और ये जो सांस की दिक्कत होती है उस समय उनको ये डर लगता है कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो गया है, तो इसको हम कैसे पता करें। दोस्तों, अगर ये सांस की तकलीफ जो हो रही है, ये तकलीफ जो सामान्य सर्दी जुकाम के जो लक्षण होते हैं, जैसे आपका नाक बह रहा है या फिर आपके गले के अंदर बहुत ज़्यादा भारीपन सा हो रखा है, आपका जो स्मेल और जो टेस्ट का सेंस है वो आपका खत्म हो गया है, या फिर आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी सी आ गई और उसके बाद में ये सांस की दिक्कत आपको हो रही है, तो ये कोरोना की हो सकती है। लेकिन अगर ये सांस की दिक्कत आपको सीधी सांस की दिक्कत हो रही है और उसमें सर्दी जुकाम के लक्षण भी नहीं है, कमजोरी भी नहीं है, जो आपके टेस्ट और स्मेल का सेंस है वो भी प्रॉपर है, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं है, सिर्फ आपको सांस की दिक्कत हो रही है, तो ये कोरोना की वजह से नहीं है। अच्छा, कई लोगों को ये भी डर लगता है कि कहीं उनकी जो कोविड की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई है, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, फिर उसके बाद जब उनको सांस की दिक्कत होती है तो फिर उनको डर लगने लगता है कि कहीं ये दिक्कत सांस कोरोना की तो नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव है, आप में सर्दी जुकाम के कोई लक्षण नहीं है, तो ये जो सांस की दिक्कत है ये कोरोना से जुड़ी हुई नहीं है। तो फिर ये सांस की दिक्कत किससे जुड़ी हो सकती है? दोस्तों, ये जो सांस की दिक्कत है, कई लोग ये इस चीज से डर जाते हैं कि कहीं सर ये हार्ट से जुड़ी हुई तो नहीं है। अगर आपके हार्ट के इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, हार्ट की जांचें नॉर्मल है, तो ये जो सांस की तकलीफ है ये आपके हार्ट से जुड़ी भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि फेफड़ों से दिक्कत, अगर आपके फेफड़ों की जांचें नॉर्मल है तब भी ये जो प्रॉब्लम है ये आपके फेफड़ों से जुड़ी भी नहीं है, जो आपके सांस में दिक्कत हो रही है। अच्छा, कई बार कुछ लोगों को जैसे डस्ट पार्टिकल्स है या फिर जो मिट्टी के कण है उनसे एलर्जी होती है, तो उस एलर्जी की वजह से भी कई बार सांस की दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आपको एलर्जी की शिकायत नहीं है फिर भी आपको सांस की दिक्कत हो रही है तो ये उससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ये सांस की दिक्कत किसकी वजह से हो रही है? अगर सांस की दिक्कत के साथ में अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, या किसी के डेथ के बारे में सुन लिया, किसी के हार्ट अटैक के बारे में सुन लिया, किसी के कोरोना के बारे में सुन लिया, और उसके बाद ये सांस की दिक्कत हो रही है, बाकी आपकी बॉडी के जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, तो ये जो सांस की दिक्कत है ये सांस की दिक्कत आपके एंजाइटी की वजह से है। अगर आपके हार्ट के इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, फेफड़ों के नॉर्मल है, अगर आपके किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं है, सर्दी जुकाम भी आपको नहीं है, आपकी जो कोविड की रिपोर्ट आपकी नेगेटिव है, उसके बावजूद अगर आपको सांस की दिक्कत हो रही है तो ये सांस की दिक्कत है वो आपके एंजाइटी की वजह से हो रही है। अगर नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा चल रही है हमारे दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से ये सांस की दिक्कत हमें होती रहती है। अच्छा, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी काम में बिजी होते हैं, सर उस समय तो हमें ये सांस की दिक्कत फील नहीं होती, लेकिन जैसे मैं खाली होता हूँ ना उस समय ये सांस की दिक्कत होने लग जाती है, या फिर कुछ सोच लेता हूँ तो उसके बाद मुझे ये सांस की दिक्कत होने लग जाती है, तो ये जो सांस की दिक्कत है ये कंप्लीटली आपके एंजाइटी से रिलेटेड है। अगर आपकी रूटीन टेस्ट नॉर्मल है और उसके बाद भी आपको ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, सांस ऐसे खींच खींच के लेना पड़ रहा है, मुंह खोल के सांस लेना पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे दम सा घुट गया है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिंपल एंजाइटी की वजह से है, ये ना तो कोरोना की वजह से है, ना ये हार्ट की प्रॉब्लम है, ना ये फेफड़ों की प्रॉब्लम है, ना ये डस्ट की प्रॉब्लम है, ना एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो इसलिए अपने आप को सही तरीके से एक्सप्लेन करें, अदरवाइज हम हर सांस को कोरोना से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में इतनी ज़्यादा कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिमाग में जा रही है, तो हर सांस की दिक्कत कोरोना नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।